गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टू टाइम हम लोगों ने अ से लेकर अह तक स्वर वर्णों से स्टार्ट होने वाले शब्द, इसी प्रकार क से लेकर ग से ग तक के वर्णों से स्टार्ट होने वाले शब्दों के बारे में हमने पढ़ा। और जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि आप लोगों ने अपने संस्कृत की नोटबुक में लिख भी लिए होंगे और दिमाग में भी फीड कर लिया होगा। परंतु आज मैं जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है आपके वचन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि वचन क्या चीज़ होती है। वचन शब्द का वह रूप जो वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, उसे वचन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में वचन मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब वस्तु एक होती है, अर्थात शब्द का वह रूप वस्तु के एक होने का बोध कराते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। और जब शब्द का वह रूप वस्तु के अनेक होने का बोध कराते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। परंतु संस्कृत में मेरे प्यारे बच्चों, वचन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब वस्तु के एक होने का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। और शब्द वस्तु के दो होने का बोध होता है, उसे द्विवचन कहते हैं। और वस्तु के अनेक होने का बोध होता है, अर्थात दो से ज़्यादा होते ही वो किस कैटेगरी में आते हैं, बहुवचन में आते हैं। तो मेरे बच्चों, हम लोग संस्कृत में जो शब्द रूप हैं उनके हम सातों विभक्तियाँ लिखते हैं और तीन वचन लिखते हैं। तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे एक घोड़ा दो घोड़ा। संस्कृत में हम इसकी प्रथमा विभक्ति कैसे चलती है, अश्व अश्व अश्वाहा। अगर मैंने कहा अश्व, तो ऑटोमेटिक बच्चे को समझ जाना होगा कि अश्व का मतलब दो घोड़े से है। अश्व शब्द बोलते ही इसका मतलब क्या है, वो एक घोड़े से है। अश्व का मतलब अनेक घोड़ों से हैं। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, हम ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है वो किसकी है, बालक की। परंतु बालक भी कितना है, एक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बालकः। अब जब दो बालक होते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, बालकौ। जब अनेक बालक होते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, बालकाः। तो इसका मतलब प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में कैसे हुई, बालक बालकौ बालकाः। यस, इसी प्रकार अगर जैसे ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है वो किसकी दिखाई दे रही है, पक्षी की। तो पक्षी को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, खग। अब ये खग भी एक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, खगः। अर्थात खग शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा, खग। और द्विवचन में क्या होगा, खगौ। और बहुवचन में क्या होगा, खगाः। ओके, तो अगर मैं बच्चों से पूछती हूँ खगाः, तो आप केवल पक्षी नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, अनेक पक्षी या बहुत सारे पक्षी या तीन से अधिक पक्षी। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ये चीज़ समझ गए कि संस्कृत में वचन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन शब्द का वह रूप जो वस्तु के एक होने का बोध कराता है, और शब्द का वह रूप जो दो वस्तु के होने का बोध कराता है। शब्द का वह रूप जो दो से अधिक वस्तु होने का बोध कराता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यश, मैंने अगर कहा यश, एक यश, तो हम क्या बोलेंगे, यशः। मैंने कहा दो यश, तो क्या बोलेंगे, यशौ। और अगर मैंने कहा अनेक यश, तो क्या बोलेंगे, यशाः। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का आज का होमवर्क क्या रहा कि ये जो पिक आपको दिखाई दे रही है, उस पिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ये पहला वाला बॉक्स में क्या लिखेंगे, अश्वः। दूसरे वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे, एक घोड़ा। फिर वापस क्या लिखेंगे, अश्व। तो आप इसके सामने क्या लिखेंगे, दो घोड़े। फिर मैंने लिखा अश्वाहा, तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, अनेक घोड़े हैं। क्या लिखेंगे, अनेक घोड़े। इसी प्रकार बालकः, इसका मीन्स एक बालक। बालकौ यानी दो बालक। बालकाहा अनेक बालक। ओके, तो अभी आपके पास ये तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे खग, खगा का मतलब एक पक्षी, खगौ का मतलब दो पक्षी, खगा का मतलब अनेक पक्षी। इसी तरह के आपको चार एग्जाम्पल, जैसे यश है, हितेश है, महेश है, सुरेश है, जितेश है, विराट है ना। तो इस तरह के चार एग्जाम्पल आप अपने नोटबुक में लिख करके उसके सामने, जैसे मैंने कहा राम, तो यानी क्या लिखेंगे, एक राम। रामौ यानी दो राम। रामाहा यानी अनेक राम। इसी प्रकार महेश यानी एक महेश। महेशौ यानी दो महेश।
महेशाः यानी अनेक महेश। ओके, तो इस तरह के आपको चार एग्जांपल अपने माइंड से और लिखने हैं नोटबुक में। तो साथ में मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम बार बार इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि जो भी आपको ऑनलाइन वर्क कराया जा रहा है वो काम साथ साथ में रिटर्न में भी करते जाएं, साथ में अपने दिमाग में भी फिट करते जाइए। क्योंकि बेटा, आपके अगस्त के फर्स्ट वीक में फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो आप लोगों को खुद करना होगा। ओके, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप डाउट को भी क्लियर फ़ोन करके या व्हाट्सअप मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय।